नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लास्ट क्लास में नर्वस सिस्टम के बारे में देखा था, नर्वस सिस्टम है क्या, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद में हमने नर्वस सिस्टम की जो लेक्चर है उसमें न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के फंक्शन क्या होते हैं, साथ ही न्यूरॉन का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि न्यूरॉन है फंक्शन के आधार पर कितने टाइप्स का होता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन है कितने टाइप्स का होता है, और पोलरिटी के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले न्यूरॉन फंक्शनल के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, पोलरिटी के आधार पे और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, ये सब हमने पढ़ा। इसके साथ ही सिनेप्स क्या होते हैं, सिनेप्स में क्या न्यूरो ट्रांसमिशन रोल है, ये सब। तो दैट मीन्स जो नर्वस सिस्टम है इसकी जो मेन सेल है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, इसका अपन ने लास्ट क्लास जो हुई थी नर्वस सिस्टम उसमें पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर न्यूरोग्लिया के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि न्यूरोग्लिया क्या है, इसका दूसरा नाम अपन क्या बोल सकते हैं, ग्लियल सेल के नाम से इसको जाना जा सकता है, या ओनली ग्लिया, ग्लिया भी बोला जा सकता है। तो ये भी नर्वस सिस्टम की मेन दो ही सेल बताई थी, एक तो न्यूरॉन जिसका मेन फंक्शनल यूनिट है जिसका हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर, सेकेंड सेल आज डिस्कस करें न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल। ये भी एक टाइप की सेल्स है जो कि नर्वस सिस्टम को बिल्डअप करती है, मोस्टली सपोर्टिव सेल है। ये क्या है, सपोर्टिव सेल, सपोर्टिव सेल। तो न्यूरोग्लिया इज ए बेसिकली इट इज ए सपोर्टिव सेल और सपोर्ट कर रही है, दैट मीन्स ये न्यूरॉन को क्या दे रही है, तो न्यूरॉन को फीडिंग दे रही है, न्यूरॉन को फीडिंग दे रही है, और फीडिंग ऑब्लिक अपन बोल सकते हैं एनर्जी, क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। तो जो न्यूरोग्लिया सेल्स है इट प्रोवाइड फीड टू न्यूरॉन, या प्रोवाइड फीड टू, या प्रोवाइड एनर्जी टू न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को एनर्जी देने वाली सेल्स है। एनर्जी किस रूप में दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में और ऑक्सीजन। दैट मीन्स सेल्स को वर्क करने के लिए, यू नो वेरी वेल कि सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। इसी प्रकार जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ये न्यूरॉन को सपोर्ट कर रही है, इसलिए इसको क्या बोला, सपोर्टिंग सेल्स। साथ में बात करें इसकी नंबर की, तो ये 5 से 10 गुना न्यूरोन से ज़्यादा होती है, तो मोर देन 5 to 10 times देन न्यूरोन्स एन न्यूरोन्स। दैट मीन्स न्यूरोन से भी ज़्यादा कौन सी सेल होती है, न्यूरोग्लियल सेल। 5 से 10 गुना ज़्यादा कौन सी सेल होती है, न्यूरोन। और ज़्यादा होने की वजह से न्यूरोन को अच्छे से ये एनर्जी सपोर्ट करती रहेगी, अच्छे से उनको न्यूट्रिशन दे रहे। तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है, एक प्रकार की सपोर्टिंग सेल है और फीड या एनर्जी प्रोवाइड करवाती है न्यूरोन को, 5 से 10 गुना होती है, और ये एक नर्वस सिस्टम की सेल्स है जिसको अपन बोलते हैं न्यूरो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ, तो ये अलग अलग टाइप्स की होती है। न्यूरोग्लियल जो अपन न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, न्यूरॉन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, फंक्शन के आधार पर अलग, पोलरिटी के आधार पर अलग, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। उसी प्रकार जो न्यूरोग्लिया सेल्स है ये भी मेनली 5 टाइप्स की होती है, मेनली कितने टाइप्स की होती है, 5। तो एक एक टाइप अपन देखेंगे, एक एक टाइप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स, नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स। फर्स्ट टाइप होता है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है, एस्ट्रोसाइट। और एस्ट्रोसाइट जो है, एस्ट्रो का वर्ड का मीनिंग होता है एस्ट्रो, एस्ट्रो का मीन्स होता है स्टार, क्या मीन्स होता है, स्टार। तो दैट मीन्स इस स्टार शेप की ये जो है सेल्स होती है, ये स्टार आप समझ रहे। तो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टार। तो ये ऐसी सेल्स है, ऐसी सेल्स जो कि स्टार शेप की होती है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज
ऑल्सो नॉन एज स्टार ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टार ऑफ नर्वस सिस्टम। तो स्टार साइज की है, तो नर्वस सिस्टम का अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम का स्टार कौन से कौन है, तो न्यूरोग्लियल सेल है जिसको जिसका टाइप है एस्ट्रोसाइट्स। क्या टाइप है? एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट अगर बात करें इसके फंक्शन, एस्ट्रोसाइट है क्या काम करती फंक्शन, तो एस्ट्रोसाइट्स स्टार साइज की है, इसलिए नर्वस सिस्टम को क्या बोला, नर्वस सिस्टम का स्टार बोला। तो फंक्शन बात करें तो इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इम्पोर्टेंट है ये, जिसको अपन शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं BBB। तो ब्लड ब्रेन बैरियर एक ब्रेन का ऐसा बैरियर जो कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी का काम करता है, दैट मीन्स हर कोई सबस्टेंस ब्रेन के अंदर रीच आउट नहीं हो सकता, हर कोई चीज़ ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती। तो बहुत सारे इन्फेक्शन है बॉडी में लगते हैं लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक बैरियर है ब्रेन में, एक बैरियर बना हुआ है, वो बैरियर कौन बना रहा है, एस्ट्रोसाइट। वो इसलिए इनको क्या बोला, स्टार। क्या बोला? स्टार। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने में जो मेन रोल किसका है, मेन रोल है एस्ट्रोसाइट्स का, मेन रोल है एस्ट्रोसाइट्स। जो न्यूरोग्लिया सेल्स है, न्यूरोग्लिया सेल्स के अंदर मैं एक पॉइंट भूल गया था, सेंट्रोमियर इसके अंदर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होने की वजह से माइटोटिक डिवीजन है वो क्या होगा माइटोटिक डिवीजन। जबकि अपन ने न्यूरोन के अंदर क्या पढ़ा था, न्यूरोन के अंदर ये चीज नहीं थी, सेंट्रोमियर नहीं था, और सेंट्रोमियर नहीं होने की वजह से माइटोटिक डिवीजन उसके अंदर नहीं हो रहा था। लेकिन जो इस सेल्स है, न्यूरोग्लियल सेल्स में सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर होने की वजह से इसमें माइटोटिक डिवीजन है, और माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये क्या हो सकती है, नंबर बढ़ सकते हैं, डिवाइडेशन हो सकती है। साथ में ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ में ये भी एक न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है, तो प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू ब्रेन। न्यूट्रिशन का मीन्स है वही कुछ, क्योंकि बैरियर बना रही है तो सेलेक्टेड परमिएबल है, सेलेक्टेड मतलब जो ये लेयर से आएगी, जो आयन अंदर जाना चाहिए, जो ग्लूकोज जाना चाहिए, वही अंदर ब्रेन के अंदर एंटर करेगा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को भी ये हेल्प करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पहुंचाने में भी हेल्प करती है, दैट मीन्स। तो एक तो एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन हो गया कि ये स्टार सेल है, दूसरी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, तीसरी एनर्जी प्रदान करती है, और चौथा इसका अगर फंक्शन है तो वर्क इज ए फेगोसाइटिक सेल, वर्क इज फेगोसाइटिक रिएक्शन, फेगोसाइटिक रिएक्शन इन प्राइमरी ब्रेन इंजरी, प्राइमरी ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी। तो दैट मीन्स फेगोसाइटिक रिएक्शन का भी काम कर रही है। तो फेगोसाइटिक रिएक्शन का मीन्स है ब्रेन के अंदर अगर कोई इंजरी है, वो कोई इंफ्लामेशन है, तो प्राइमरली उस इंफ्लामेशन को रिड्यूस करने में, या कोई अगर फॉरेन एंटीजन एंटर कर गया है तो उसको फेगोसाइटिक रिएक्शन के द्वारा जो है ये इम्यूनिटी में भी इसका रोल होता है। तो इसका मेन फंक्शन हो गए। तो एस्ट्रोसाइट क्या है, फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ा था एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रो का मीन्स स्टार, जो न्यूरोग्लिया है शारीरिक न्यूरोग्लिया में सेंट्रोमियर होगा जिसकी वजह से माइटोटिक डिवीजन मतलब नंबर है वो बढ़ेंगे। साथ में अपन ने देखा था स्टार जो नर्वस सिस्टम है, ब्लड ब्रेन बैरियर को निर्माण कर रहा है, और ब्रेन को न्यूट्रिशन फीडिंग का काम भी कौन, एस्ट्रोसाइट कर रही है, और साथ में ये भी देखा था फेगोसाइटिक, जो फेगोसाइटिक है प्राइमरी ब्रेन इंजरी के दौरान ये भी फेगोसाइटिस की रिएक्शन करती है। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट टाइप आपको समझ में आएगा एस्ट्रोसाइट। सेकंड अपन डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोग्लिया। एस्ट्रोसाइट्स के बाद में अपन सेकंड टाइप है डिस्कस करेंगे माइक्रोग्लिया, और वर्ड माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल, और ग्लिया का मतलब ग्लियल सेल्स। तो ये भी क्या है, कैसी सेल्स है, स्मॉल सेल्स है। तो सेकेंड टाइप से अपन डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोसाइट, फर्स्ट टाइप अपने डिस्कस किया था एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रो
सेकंड है माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया सेल्स। माइक्रो वर्ड माइक्रो का मीन्स है स्मॉल, माइक्रो का मीन्स क्या है स्मॉल। तो ऐसी सेल्स जो कि छोटी छोटी साइज में होती है, स्मॉल साइज में होती है और स्मॉलेस्ट सेल होती है ये नर्वस सिस्टम की, और इसका एक्शन है वो भी फेगोसाइटिक एक्शन होता है। तो इसका फंक्शन की बात करें तो फेगोसाइटिक सेल्स है, फेगोसाइटिक सेल्स का काम करती है। तो माइक्रोग्लिया क्या है, एक छोटी सेल्स है जो कि फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन करती है, तो एक प्रकार की फेगोसाइटिक सेल्स है। नेक्स्ट अपन टाइप थर्ड की बात करें, ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगो डेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रो साइट्स। देखो ओलिगो का मीन्स होता है फ्यू, क्या मीन्स होता है फ्यू। ओलिगो का मीन्स क्या है फ्यू, डेंड्रिट्स का मतलब क्या है ब्रांचेज। देखो आपने जो सेल पढ़ी थी नर्वस सिस्टम के अंदर, तो ये क्या थे, ये क्या थे, ये डेंड्राइट्स थे, ये क्या थे डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स का मतलब है फ्यू कुछ मात्रा में ब्रांच, डेंड्राइट्स क्या थे ब्रांचेस थी और फ्यू मात्रा में जो ब्रांच है, और साइट्स का मतलब क्या है सेल्स। तो दैट मीन्स ये कैसी सेल्स है, ओलिगोडेंड्राइट्स ऐसी सेल है जो कि ब्रांचिंग का काम करती है, दैट मीन्स ब्रांचिंग सेल। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्रांचिंग सेल, ब्रांचिंग सेल। तो ये किस नाम से जानी जाती है, ब्रांच है, ओलिगो का मतलब फ्यू, डेंड्राइट्स का मतलब ब्रांच और साइट्स का मतलब सेल्स। दैट मीन्स ऐसी सेल जो कि ब्रांच है, ब्रांच बनाने का, ब्रांचेज बनाने का काम करती है, दैट मीन्स एंड्राइड को, डेंड्राइट्स को बनाएगी। छोटी छोटी सेल मिलके क्या बनेगा डेंड्राइट्स, वो क्या कहलाती है ब्रांचिंग, दैट मीन्स ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट इसकी फंक्शन की बात करें तो क्या काम करती है फंक्शन, फंक्शन तो ब्रांच बना रही है, दैट मीन्स रेस्पॉन्सिबल ऑफ माइलिन शीट इन सीएनएस। तो दैट मीन्स इट रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट सीएनएस ओनली। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस का मतलब सेंट्रल, सेंट्रल मैंने क्या क्या बताया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करती है, माइलिन शीट कौन बना रही है, माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन कर रही है वो क्या कहलाती है, ओलिगो डेंड्राइट्स, ओलिगो डेंड्राइट्स। तो फर्स्ट सेल अपने एस्ट्रोसाइट पढ़ा जो कि स्टार है, स्टार सेल्स है। सेकंड अपने माइक्रोग्लिया के बारे में पढ़ा, माइक्रो का मतलब स्मॉल है, स्मॉल है दैट मीन्स फेगोसाइटिक रिएक्शन कर रही है। थर्ड अपन ने पढ़ा था ओलिगोडेंड्रस, दैट मीन्स फ्यू ब्रांचेस सेल है जो कि ब्रांचेस बनाती है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माइलिन शीथ इन सीएनएस ओनली। तो सीएनएस जो नर्वस सिस्टम है उसमें माइलिन शीथ बनाने का काम कौन कर रही है, माइलिन शीथ बनाने का काम कर रही है ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स। नेक्स्ट अपन बात करें ओलिगोडेंड्राइट्स के बारे में, ओलिगोडेंड्राइट्स के बारे में नेक्स्ट बात कर रहे हैं। अब आपने जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि ओलिगोडेंड्राइट्स क्या बना रही है, माइलिन शीट। तो अगर बात करें ऐसी कोई डिजीज कंडीशन जिसके अंदर ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगो जो डेंड्राइट्स है, ओलिगोडेंड्राइट्स का क्या हो रहा है डिस्ट्रक्शन, क्या हो रहा है डिस्ट्रक्शन। तो ऐसी कोई डिजीज कंडीशन जिसमें ओलिगोडेंड्राइट्स टूट रही है और ओलिगोडेंड्राइट्स का डिस्ट्रक्शन होगा, दैट मीन्स इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं माइलिन शीथ है वो क्या नहीं बनेगी, माइलिन शीथ का क्या होगा, माइलिन शीथ डिस्ट्रक्शन, माइलिन शीथ है वो टूटेगी। जैसे ओलिगोडेंड्राइट्स में अगर कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है, ऐसी कोई अगर है डेफिशिएंसी, तो दैट मीन्स ओलिगोडेंड्राइट सेल डिस्ट्रक्शन है,
तो दैट मीन्स क्या है इसका इनडायरेक्टली मीन्स क्या है कि माइलिन शीथ का क्या हो रहा है डेस्ट्रक्शन, या माइलिन शीथ है डेस्ट्रक्शन नहीं, या आप बोल सकते हो और नॉट प्रॉपरली फॉर्म, नॉट प्रॉपर फॉर्मेशन। तो ओलिगोडेंड्राइट्स है वो ओलिगोडेंड्राइट्स अगर डेस्ट्रक्शन हो रही है दैट मीन माइलिन शीट प्रॉपर डेस्ट्रक्शन, उनका भी डेस्ट्रक्शन या प्रॉपर बनेगी नहीं, और माइलिन शीट अगर नहीं बनेगी तो दैट मीन्स कंडक्शन होगा नहीं। इस डिजीज को अपन बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी डिजीज जिसमें डीमाइलिनाइजेशन हो जाता है, दैट मीन्स माइलिन का क्या हो जाता है डेस्ट्रक्शन। तो माइलिन का डेस्ट्रक्शन होना अब किसकी वजह से, ओलिगोडेंड्राइट्स। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, ये एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज है। कैसी डिजीज है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है और क्रॉनिक है। कैसी है, क्रॉनिक। तो अपन इसको बोल सकते हैं क्रॉनिक प्रोग्रेसिव नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। दैट मीन्स इसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ओलिगोडेंड्राइट्स है उसमें डेस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से इलनेस कॉज हो रही है। कैसी है, क्रॉनिक लंबे समय की बीमारी है, लगातार प्रोग्रेसिव, लगातार डेंड्राइट्स डेस्ट्रक्शन हो रहा है, लगातार माइलिन शीथ डेस्ट्रक्शन डीमाइलिनेशन इसको बोला जा रहा है, उसको अपन बोला मल्टीपल स्क्लेरोसिस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। कैसी इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस। तो आपकी अगर आपको समझ में भी आ गया, क्योंकि नॉर्मल अगर एनाटॉमी नर्वस सिस्टम की आपको पता है कि एस्ट्रोसाइट्स क्या काम कर रही है और माइक्रोग्लिया माइक्रोग्लिया है वो क्या क्या काम कर रहे हैं, तो अपन को डिजीज पोर्शन है बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, अगर आपको सीधा सा पता चल जाएगा कि ओलिगोडेंड्राइट्स का फंक्शन है कि माइलिन शीट को बनाना, अगर ओलिगोडेंड्राइट्स में कोई डेफिशिएंसी है दैट मींस डेस्ट्रक्शन है तो शीट नहीं बनेगी, शीट नहीं बनेगी तो वो बीमारी हो जाएगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको बोल दिया। इसमें इन्फेक्शन है क्या, नहीं, तो इसको क्या बोला, नॉन इन्फेक्शियस क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज। नेक्स्ट अपन टाइप थर्ड की डिस्कस करें, एपिडर्मल सैक। नेक्स्ट जो न्यूरोग्लिया का टाइप्स थर्ड है, फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ा एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा माइक्रोग्लिया और थर्ड ओलिगोडेंड्राइट्स, फोर्थ टाइप अपन पढ़ रहे हैं एपिडर्मल सेल्स। फोर्थ टाइप है एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल फोर्थ टाइप है। एपेंडर्मल सेल, एपेंडर्मल सेल, एपेंडर्मल सेल्स का मतलब है लुक्स लाइक एपिथेलियम। तो इसको आप लिख सकते हो इट इज लुक्स लाइक एपिथेलियम या एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम का मतलब है जो कि हर ऑर्गन में आपको पता है एपिथेलियल जो है लेयर पाई जाती है, और एपिथेलियल टिश्यू हो, एपिथेलियल मेनली कहाँ पाए जाते हैं, इनर ऑर्गन, दैट मीन्स लुक्स लाइक एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियम जनरली क्या है, इनर ऑर्गन बनाते हैं। तो अपन पढ़े हैं नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में ये क्या बनाएगी, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। तो दैट मीन्स ऐसी सेल्स जो कि वेंट्रिकल्स फॉर्मेशन बना रही है, वेंट्रिकल फॉर्म या फॉर्मेशन। तो वेंट्रिकल्स को बनाने वाली ब्रेन, जैसा कि आप जानते हो ये ब्रेन है आपका, ब्रेन्स के अंदर ये लेयर है, और लेयर के अंदर ये लेटर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल के बाद में ये थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल के बाद में ये फोर्थ वेंट्रिकल, और इस प्रकार आप जानते हो स्ट्रक्चर। तो जो वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल की जो इनर जो सेल्स है ये क्या बनाएगी, ये अंदर जो सेल्स है ये सेल्स क्या कहलाएगी, एपिडर्मल सेल्स। तो ऐसी सेल्स जो कि वेंट्रिकल्स की इनर लेयर बनाती है क्या कहलाती है, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। तो फंक्शन की अगर बात करें तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनर लेयर्स ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल लेयर, इनर लेयर्स ऑफ वेंट्रिकल लेयर। तो वेंट्रिकल्स की लेयर कौन बना रही है, एपिडर्मल सेल। नेक्स्ट अपन सेल की बात करें, फिफ्थ नंबर जो सेल्स है, फिफ्थ जो सेल्स है वो है स्वान सेल, वेरी इंपॉर्टेंट सेल है स्वान सेल। स्वान सेल
श्वान सेल, श्वान कोशिका जिसको बोलते हैं श्वान सेल्स। और श्वान सेल्स क्या होती है, जैसा कि आपने जो न्यूरॉन है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ चुकी है, पढ़ चुके हो आप लोग, दैट मीन्स ये था न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर। और न्यूरॉन में सेल्स थी और ये डेंड्राइट्स थे, इसके अलावा ये एक्जोन था, एक्जोन के पार्ट में ये सीट पाई जा रही थी, और जिस प्रकार आपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। और ये एक्जोन है, यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवेयर, यहाँ पे नोड थी तो नोड्स ऑफ रेनवेयर इसको बोला। ये एक्जोन था, ये एक्जोन था, उस एक्जोन के ऊपर ये कुछ टाइप्स की जो सेल्स है वो पाई जाती है, इस सेल्स को बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। दैट मीन्स आपको अब पता चल गया होगा ये एक्जोन के ऊपर क्या है, माइलिन की शीट बनती है एक्जोलिमा, और उन सेल्स जो ये उसके ऊपर स्पेशल टाइप्स की जो सेल होती है उनको क्या बोला, स्वान सेल। तो स्वान सेल का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन, या इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। तो दैट मीन्स ओलिगोडेंड्राइट्स जो आपने पढ़े, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो भी माइलिन शीट का फॉर्मेशन कर रहे थे। स्वान सेल है, ये भी क्या है, माइलिन शीट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। तो स्वान सेल, तो स्वान सेल्स क्या है, बेसिकली प्रेजेंट ऑन एक्जोन के जो माइलिन है, माइलिन के ऊपर बीच में ये पाई जाने वाली सेल्स है, जिस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माइलिन शीट फॉर्मेशन। तो ये स्वान सेल्स क्या बनाती है, तो इट इज, आप लिख सकते हो, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। और माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन कर रही है, स्वान सेल। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल है जो कि माइलिन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। माइलिन अगर स्वान सेल रिएक्शन है, इनडायरेक्टली मैं बात करूँ, स्वान सेल में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ डेफिशिएंसी है, दैट मीन्स क्या नहीं बनेगी, माइलिन शीट नहीं बनेगी। माइलिन शीट का नहीं बनना क्या है, इलनेस। माइलिन शीट का नहीं बनना क्या है, इलनेस। और माइलिन शीट का डेस्ट्रक्शन होना, या माइलिन स्वान सेल है, स्वान सेल डेस्ट्रक्शन हो रही है, दैट मीन्स क्या हो रही है, माइलिन शीट डेस्ट्रक्शन हो रही है। जैसा कि मैंने बताया, ओलिगोडेंड्राइट्स मेनली किसमें जो है, CNS में वर्क कर रही है, ये वर्क करती है PNS में। ये क्या वर्क कर रही है, PNS में। तो PNS में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है आप लोग जानते हो, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो PNS जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर माइलिन डीमाइलिनेशन कर रही है। दैट मीन्स अगर मैं पैथोलॉजी की बात करूँ तो स्वान सेल में अगर डेस्ट्रक्शन होगा, तो स्वान सेल डेस्ट्रक्शन होने की वजह से PNS के अंदर क्या नहीं बनेगी, माइलिन शीट नहीं बनेगी। और PNS के अंदर अगर माइलिन शीट या माइलिन शीट डेस्ट्रक्शन होगा तो डिजीज कंडीशन अपन बोलेंगे। और डिजीज वो क्या है, डिजीज कंडीशन GBS, कोलियर बार सिंड्रोम। तो मैं वापस एक बार इसको फ्लो चार्ट के रूप में लिख के आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। फिर अपन बात करेंगे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में भी आप बोल रहे हो कि सर माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट डेस्ट्रक्शन होने की वजह से भी डीमाइलाइजेशन हो रहा है, इसमें भी स्वान सेल का डेस्ट्रक्शन होने से भी क्या हो रहा है, डीमाइलाइजेशन, दोनों में डिजीज हो रही है। तो उसको बोला मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इसको बोला गुलेन बार सिंड्रोम। तो दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, कैसे जाँच होगी, कैसे पता चलेगा कि ये GBS है या फिर ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें स्वान सेल, स्वान जो सेल्स है और स्वान सेल्स का क्या हो रहा है, डेस्ट्रक्शन। और स्वान सेल्स का डेस्ट्रक्शन होगा और इसका डेस्ट्रक्शन होने से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी क्या होगा, माइलिन शीट का क्या होगा, डेस्ट्रक्शन, माइलिन शीट डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन का मतलब टूटना या इंजरी होना। तो अगर स्वान सेल्स में किसी भी प्रकार की इंजरी, तो दैट मीन माइलिन शीट नहीं बनेगी। और पेरिफेरल सिस्टम में माइलिन शीट का या डीमाइलिनेशन होना ही क्या है, GBS। क्या है, GBS। GBS को बोल सकते हैं गुलियन बार सिंड्रोम। सिंड्रोम का मींस ये होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो GBS डिजीज है,
और शेर स्वान सेल के रेशियो से। तो जीबीएस का मतलब गुलियन बार सिंड्रोम, और गुलियन बार सिंड्रोम एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये जब भी होगा उससे पहले पेशेंट को रेस्पिरेटरी या जीआईटी इन्फेक्शन कोज होगा, और जीआईटी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर ट्रीट नहीं हुआ तो फर्दरली वो इन्फेक्शन ब्रेन तक जाके स्वान सेल को अडेक्शन कर सकता है। और स्वान सेल्स का अडेक्शन करने से जो पेरिफेरल का मतलब लिम्स वगैरह है अपन, वो सिस्टम आ रहा है स्पाइनक्रेनियल्स में, उस सिस्टम में क्या हो रही है डीमायलाइजेशन, जिसको अपन बोला गुलियर बार सिंड्रोम। तो अगर आपको नॉर्मल स्वान सेल के बारे में पता है तो डिसऑर्डर बहुत ईजी है। तो डिसऑर्डर ये क्या है, एक अक्यूट इंफ्लामेशन डिजीज है, अक्यूट अक्यूट इंफ्लामेटरी डिजीज है, अक्यूट इन्फेक्शन इन न्यूरोन, अक्यूट इन्फेक्शन है इन न्यूरोन के, जिसको अपन बोल सकते हैं न्यूरोनाइटिस, न्यूरोनाइटिस। तो अक्यूट इंफ्लामेटरी डिजीज है जिसमें न्यूरोन के अंदर क्या हो जाता है इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन होते ही स्वान सेल्स जो कि माइलिन शीथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो डेस्ट्रक्ट हो जाएगी, वो डेस्ट्रक्ट हो जाएगी, माइलिन शीथ नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो क्या बोलेंगे डिजीज कंडीशन। अब नेक्स्ट अगर बात करें क्या, जैसा कि मैंने बताया इसमें भी माइलिन शीथ डेस्ट्रक्शन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसमें भी क्या बताया माइलिन शीथ डेस्ट्रक्शन। अगर कोई पेशेंट है जिसमें ये डिजीज है, एक पेशेंट है जिसमें ये, अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा, कौन सा ब्लड टेस्ट से मैं क्या पता चलेगा कि इस पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, गुलियन बार सिंड्रोम है, इसका पता लगाने के लिए क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है डीमायलाइजेशन। तो मैं इसको रफ करके ऊपर लिख रहा हूँ, बहुत थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी पर्सन को, अगर कोई पर्सन है या कोई पेशेंट है अलग अलग, जिसको एक को क्या है जीबीएस है और एक को क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और दोनों के अंदर क्या हो रहा है डीमायलाइजेशन, दैट विश दोनों ही बीमारियों के अंदर क्या हो रहा है डीमायलाइजेशन, दैट विश माइलिन शीथ का क्या हो रहा है डेस्ट्रक्शन। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए इस माइलिन शीथ को, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया जाता है ब्लड टेस्ट, क्या किया जाता है ब्लड टेस्ट, क्या किया जाता है ब्लड टेस्ट। अगर दो पर्सन है जिसके अंदर दोनों के अंदर डिजीज है, किसी के अंदर एमएस है किसी के अंदर जीबीएस, अब उसको डिफरेंट करने के लिए पता करने के लिए कि कौन सा है, अब उसका उसके लिए क्या करते हैं ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट डिफरेंट मेनली किसके द्वारा होता है ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के अंदर अगर फाइंड आउट होगा ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स ब्लड के जो रिपोर्ट है उसके अंदर, ब्लड के अंदर अगर पैथोलॉजिस्ट है उसको अगर ओलिगोडेंड्राइट सेल्स नजर आ रही है और ओलिगोडेंड्राइट फाउंड हो रही है, ओलिगोडेंड्राइट फाउंड ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर ओलिगोडेंड्राइट फाउंड हो रही है, दैट मीन पर्सन को क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और ब्लड के अंदर अगर स्वान सेल फाउंड आउट हो रही है, स्वान और ब्लड के अंदर अगर स्वान सेल फाइंड आउट हो रही है, और ब्लड के अंदर अगर स्वान सेल फाइंड आउट है तो पर्सन को क्या है जीबीएस। तो ये भी कंपटीशन में आपसे, आपको इससे सवाल बन सकता है कि अगर स्वान से अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड जो कि इमरजेंसी में आया है, ये कंप्लेन कर रहा है दैट मीन्स वीकनेस बता रहा है और लिम्स में है, और पर्सन में ब्लड सैंपल है और सैंपल के अंदर स्वान सेल फाइंड आउट या स्वान सेल पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स पर्सन को इलनेस कौन सी है जीबीएस, और अगर ओलिगोडेंड्राइट्स फाउंड है तो पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो पांच अपन ने टाइप पढ़े थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, पांच टाइप्स कौन कौन से पढ़े मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एस्ट्रोसाइट्स, क्या पढ़ा था एस्ट्रोसाइट, दैट मीन्स स्टार टाइप्स की सेल है, सपोर्टिंग सेल है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, फेगोसाइटिक रिएक्शन कर रही है। सेकेंड अपन ने पढ़ा था माइक्रोग्लिया, दैट मीन छोटी सेल्स है जो कि फेगोसाइटिक रिएक्शन कर रही है। नेक्स्ट अपन पढ़ेगा ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ओलिगो का मतलब फ्यू, डेंड्रो का मतलब ब्रांचेस और साइट्स का मतलब सेल्स, दैट मीन्स फ्यू ब्रांचिंग सेल्स है, दैट मीन्स डेंड्राइट्स और माइलिन जो शीत है उसका फॉर्मेशन कर रही है।
मेनली किस में? CNS में. किस में करी? CNS में. दैट मीन्स अगर वो डेस्ट्रक्शन हो रहा है उनका ओलिगोडेंड्रे, तो माइलिन शीट प्रॉपरली नहीं बनेगी. माइलिन शीट प्रॉपरली नहीं बनेगी तो डिजीज कंडीशन, और डिजीज को बोला मल्टीपल स्क्लेरोसिस. क्या बोला? मल्टीपल. नेक्स्ट अपन ने बात की थी एपेंडाइमल सेल. दैट मीन्स ऐसी सेल जो कि एपिथिलियम टिश्यू जैसी होती है. दैट मीन्स इनर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन करती है, वो क्या कहलाती है? एपेंडाइमल सेल्स. और नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था श्वान सेल्स. तो पांच सेल्स पढ़ी थी, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्राइट्स और एपेंडाइमल सेल और श्वान सेल. कौन सी? श्वान सेल. तो एपेंडाइमल नाम से स्पष्ट है, एपिथिलियम टिश्यू है, दैट मीन इनर साइड ऑफ वेंट्रिकल्स फॉर्मेशन करेगी. और उसके बाद में श्वान सेल है. श्वान सेल अपन देखा माइलिन शीथ बना रही, क्योंकि एक्सोन के पार्ट में जो एक्सोन के ऊपर है ये प्रेजेंट है, और वहाँ माइलिन माइलिनाइजेशन का काम कर रही है. और अगर इसमें कोई डेस्ट्रक्शन होता है तो डीमाइलाइजेशन होना, ये भी एक डिजीज कंडीशन है जिसमें होता है गुलियन बार सिंड्रोम. अक्यूट इन्फ्लामेशन है, न्यूरोनाइटिस है, दैट मीन न्यूरोन का इन्फ्लामेशन होने की वजह से. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव. ये कैसी है? इन्फ्लामेटरी है, एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है. और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में ओलिगोडेंड्राइट्स दैट मीन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्लड सेल के अंदर श्वान सेल दैट मीन्स पेशेंट को GBS. तो मैं उम्मीद करता हूँ टाइप्स ऑफ जो न्यूरोग्लिया वो आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं कवरिंग ऑफ CNS. नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कवरिंग ऑफ CNS. नेक्स्ट टॉपिक है कवरिंग, कवरिंग ऑफ CNS, दैट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका कवरिंग है, और कवरिंग को अपन बोलते हैं मेनिंजेस. क्या बोलते हैं? मेनिंजेस. क्या बोलते हैं? मेनिंजेस. तो मेनिंजेस क्या है? एक बेसिकली ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है उसको क्या बोलता है, बोला जाता है? मेनिंजेस. तो दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हो इट इज ए कवरिंग ऑफ ब्रेन, इट इज ए कवरिंग ऑफ CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेडअप ऑफ थ्री लेयर्स, मेडअप ऑफ थ्री लेयर्स. कितने लेयर से बना हुआ होता है? तीन लेयर. कौन कौन सी लेयर? सबसे अंदर वाली पायामेटर, उसके बाद में एरेक्नोइड मैटर, और उसके बाद में ड्यूरा मैटर. उसके बाद में क्या है? ड्यूरा मैटर. तो सबसे पहले अपन अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. डायग्राम के लिए मैं इस साइड का डायग्राम है वो बोर्ड प्रेफर कर रहा हूँ इस साइड. तो आपको डायग्राम बहुत ईजी से, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो बिल्कुल ईजी. सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है, इसको अपन बोलते हैं ड्यूरा, सॉरी पाया मैटर. क्या बोल सकते हैं? पाया मैटर. अंदर वाली पाया मैटर. उसके बाद में जो अंदर है इसको बोल सकते हैं एरेक्नोइड मैटर. क्या बोल सकते हैं? एरेक्नोइड मैटर. उसके बाद में जो थर्ड नंबर की जो लेयर है इसको बोल सकते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर. और जो बाहर जो जिन तीनों लेवर और लेयर है इन लेयर को कवर करने वाला है इसको अपन बोल सकते हैं स्कल. तो स्कल क्या है? जो तीनों मेनिंजेस है, तीनों लेयर है, इनको कवरिंग है, उसको क्या बोला? स्कल. इसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड है ये, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर वाली पाया मैटर. तो याद रखने के लिए ब्रेन में अंदर से आउट, इनसाइड टू इन टू आउट, याद करने के लिए सबसे पहले पिया, पाया मैटर दैट मीन्स पास में. और ये अगर याद हो जाएगी तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा पाया मैटर पास में, दैट मीन्स अंदर वाली
दूर, इससे ड्यूरा का मतलब क्या है? दूर, दैट मीन्स ड्यूरा क्या है? दूर दूर मतलब आउटर साइड है, और बीच वाली आप वैसे ही याद कर लो, एरेक्नोइड है। बीच वाली क्या है? एरेक्नोइड। तो सबसे अंदर वाली पाया मैटर, पिया, पास में ड्यूरा दूर, और बीच में क्या है? एरेक्नोइड मैटर। और इसके ऊपर क्या है? कवरिंग। इसके ऊपर क्या है? कवरिंग। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। और ये दो वेंट्रिकल है, और इस वेंट्रिकल को बोलते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। राइट है, राइट साइड में लाइट, लेफ्ट उसके बाद में इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ, और इस बीच में जो जो ये फोरामेन है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो फोरामेन ऑफ मैग्नम लेटर वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो है वो। इसके बाद में चार वेंट्रिकल हो गए, चार वेंट्रिकल के बाद में यहाँ पे क्या है? वर्टिब्रस। इस प्रकार स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये क्या है? केनाल है, और केनाल के अंदर क्या बन फ्लूड बहता है? सीएनएस फ्लूड। और सीएनएस फ्लूड को अपन बोलता है, वो नाम दिया सीएसएफ। क्या नाम दिया? सीएसएफ। तो सीएसएफ। और इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर एक ऐसे गुच्छे नुमा जो स्ट्रक्चर होती है, और इस गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर को नाम दिया कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस दैट मीन्स ये एक कैपिलरीज का क्या है? जाल है। कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, और कैपिलरीज का जो नेटवर्क है इसको बोला कोरोइड प्लेक्सस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेटरल वेंट्रिकल्स के अबव में। तो जो कोरोइड प्लेक्सस है, कोरोइड प्लेक्सस में कैपिलरीज है जिसमें ब्लड है, और ब्लड से फिल्टर होके एक स्पेशल टाइप्स का फ्लूड का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं सीएनएस फ्लूड या सेसम, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोरोइड प्लेक्सस या सीएसएफ फ्लूड है वो किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है? तो आंसर क्या आएगा? कोरोइड प्लेक्सस। किसके द्वारा? कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होता है? अबव द लेटरल वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल, तो जैसे ही कोरोइड प्लेक्सस है, इससे ये कैपिलरीज का जाल है। क्या है? वेसल्स का जाल है, कैपिलरीज, जिसमें प्रेशर से ब्लड से वो परमेबिलिटी, दैट मीन्स ब्लड से फिल्टर होके तो हाई फिल्टर्ड फ्लूड एक निकलता है, उस पानी जैसा कलरलेस फ्लूड होता है, वाटर जैसा। और कलरलेस फ्लूड इसमें है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, और फोर्थ से इस स्पाइनल कॉर्ड में, और लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड से फिर अरकनोड जो विलयी है उनके द्वारा फ्लूड का क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्प्शन। फ्लूड का क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्प्शन। तो ये भी कंपिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीएसएफ जो फ्लूड है, सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, उसका जो है रीअब्सॉर्प्शन कौन सी सेल करती है? अरकनोड विलाई फॉर्मेशन कोरोइड प्लेक्सस। ये एक पानी का जो फ्लूड का फ्लो है इस प्रकार। अभी अपन पढ़ रहे हैं कवरिंग। तो इन तीनों लेयर को, पाया मेटर, ड्यूरा मेटर और एरेक्नोइड, इन तीनों को मिला के क्या बोल दिया? मेनिंजीज। क्या बोल दिया? मेनिंजीज। तो और मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन क्या है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन, तो नॉर्मल एनाटॉमी है तो डिसऑर्डर बोल दीजिए, तो मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस। इसी प्रकार ये तीन लेयर है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर अपन बात करें बार वाली ड्यूरा मैटर, तो ड्यूरा मैटर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे अरेक्नोइड मैटर, उसके बाद में पाया मैटर। तो आपको इसको और इजी समझने के लिए, ये तो डायग्राम आप लोगों को विजिबल है अच्छे से, मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको और इजी हो जाएगा। मैं थोड़ी सी ये डायग्राम को इस प्रकार कर देता हूँ। ये एक पार्ट ले रहा हूँ, पर्टिकुलर पार्ट, और इसको अपन बोलते हैं एपी ड्यूरल स्पेस। एपी ड्यूरल स्पेस, एपी ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल, एपी ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब
एरेक्नोइड। तो ये क्या है लेयर के बीच में, ये अभी डायग्राम इतना स्पेस दिख रहा है, इतना स्पेस नहीं होता क्योंकि लेयर बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई है। तो दैट मीन्स अब ये लेयर है, लेयर की मैं अगर बात करूं सबसे ऊपर क्या है, स्कल। सबसे ऊपर तो क्या है, स्कल। सबसे ऊपर स्कल, स्कल के बाद में कौन सी लेयर है, स्कल के बाद में लेयर है, स्कल के जस्ट नीचे है ड्यूरा। स्कल के बाद में कैसी है, ड्यूरा। ड्यूरा के बाद में आप सब लोग जानते हो अरेक्नोइड, और अरेक्नोइड के बाद में अंदर वाली जो लेयर है पीए पास में, तो वो है पायामेटर। यहाँ तक क्लियर है, दैट मीन्स सबसे इनर मोस्ट लेयर पायामेटर, उसके बाद में अरेक्नोइड, और उसके बाद में ड्यूरामेटर, उसके बाद में क्या है ऊपर जो कवरिंग है, तीनों लेयर को कवर कर रहा है वो क्या है, स्कल। क्या है स्कल। अब एक वर्ड आया, एक वर्ड आया एपी, कई बार कंफ्यूजन होता है सब एपी क्या है, कि सब ड्यूरल का मतलब क्या है एपिड्यूरल। तो आपको बिल्कुल इतना सा याद रखना है, एपी वर्ड आ जाए जहां पे भी, दैट मीन्स क्या है ऊपर वाली जो लेयर है, और एपी के बाद में सब वर्ड अगर वर्ड आ जाए तो सब का मतलब क्या है, नीचे। सब का मीन्स क्या है, नीचे। दैट मीन्स देखो ये ड्यूरा, ड्यूरा अभी मैं समझाने के लिए बहुत क्लियर हो जाए आपको, ड्यूरा लेयर है, ड्यूरा मैटर के जस्ट ऊपर जो स्पेस है एपी ड्यूरल, एपी का मतलब है ऊपर, दैट मीन्स ड्यूरा मैटर के ऊपर प्रेजेंट होगा स्पेस, उसको बोला एपी ड्यूरल स्पेस। तो एपी ड्यूरल स्पेस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा मैटर लेयर के बिटवीन जो स्पेस है, स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोला, एपी ड्यूरल स्पेस। क्या बोला, एपी ड्यूरल स्पेस। देखो ये भी है सब ड्यूरल, सब का वर्ड का मतलब मैंने बताया नीचे, सब का मतलब नीचे, ड्यूरल ड्यूरल एयर ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे सब ड्यूरल स्पेस। दैट मीन्स आपसे अगर बात करें तो सब ड्यूरल स्पेस क्या है, तो बिटवीन अरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर के बीच का जो स्पेस है इसको क्या बोला, सब ड्यूरल स्पेस। तो हिमेटोमा आगे आगे आएगा डिसऑर्डर में, कि पेशेंट को एपिड्यूरल हिमेटोमा है, एपिड्यूरल ईडीएच है, एसडीएच है, एसडीएच सब ड्यूरल हिमेटोमा। एसडीएच क्या होता है, सब ड्यूरल हिमेटोमा, या आपको बोलते हैं ईडीएच है या पेशेंट को एपिड्यूरल। तो हेड इंजरी का पेशेंट आता है तो डायग्नोसिस में देखने मिलता है ईडीएच, तो एपिड्यूरल हिमेटोमा, दैट मीन्स स्कल और ड्यूरोमेटर के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हुई है, यहाँ स्पेस में फ्लूड होता है जिसको आप एपिड्यूरल फ्लूड, सब ड्यूरल फ्लूड और एग्रेनल फ्लूड बोलते हैं, बहुत ही माइनर स्पेस होता है। तो अगर ब्लीडिंग यहाँ पे हुई है तो उसको बोलते हैं एपिड्यूरल, अगर ब्लीडिंग ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में हुई है, दैट मीन्स इस जगह पे हुई है, इसको बोलते हैं एसडीएच। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ एपिड्यूरल स्पेस क्या है, एपी का वर्ड मीन्स है ऊपर और सब का मतलब नीचे, और जो जगह आ रही है आगे ड्यूरामेटर, ड्यूरल वर्ड आ रहा है ड्यूरामेटर के ऊपर, और सब वर्ड आएगा देन ड्यूरा के जस्ट नीचे, इसी प्रकार सब अरेक्नोइड, दैट मीन्स ये अरेक्नोइड ले रहे, अरेक्नोइड से नीचे, तो आप अरेक्नोइड से नीचे आप क्या मानोगे, दैट मीन्स पायामेटर और अरेक्नोइड के बीच की जगह क्या कहलाएगी, सब अरेक्नोइड स्पेस। तो आप सब और एपी में अगर डिफ्रेंशिएट कर ले तो आगे वर्ड का है, आगे वर्ड से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एपिड्यूरल स्पेस क्या है। तो कई मेडिसिन होती है जो कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया जो आता है वो एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में सर्जरी हुई, तो आप सुनोगे कि जो सीएस है सिजेरियन डिलीवरी वो एपिड्यूरल स्पेस में हुई, तो दैट में आपको इजीली क्लियर हो जाएगा एपिड्यूरल का मतलब जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, यहाँ पे एनेस्थेसिया वो ड्रग एडमिनिस्टर की गई, या सब ड्यूरल में, या आपको बोला जाए कि अरेक्नोइड से सैंपल लिया, दैट मीन्स कहाँ से सैंपल लिया, कौन सी लेयर के बाद में जो सैंपल है वो सैंपलिंग हुई। तो ये स्पेस आपको क्लियर है मैं उम्मीद करता हूँ। ये लेयर है, तीन लेयर होती है ब्रेन के अंदर, पायामेटर अंदर वाली, ड्यूरामेटर बाहर वाली, बीच वाली अरेक्नोइड मैटर, और इस प्रकार ये कोरोइड प्लेक्सस, ऊपर कोरोइड प्लेक्सस क्या बनेगा, सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये भी पूछा जाता है फुल फॉर्म क्या है इसकी, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कोरोइड प्लेक्सिस से बनता है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, और एरेक्नोइड विलय के द्वारा क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन। अब फर्स्ट लेयर है ड्यूरा मैटर, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि ड्यूरा मैटर क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ एपी और ड्यूरा आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्यूरा मैटर, तो ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर
दैट मीन्स एक लाइन तो सबको पता है, इट इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन। या तो सबसे पहले ये क्या है, आउटर आउटर मोस्ट जो है लेयर है स्कल के जस्ट बिलो पाई जाती है, सब लोगों को पता है क्या, इट इज आउटर मोस्ट लेयर है और मेडअप ऑफ डबल लेयर फाइबरस टिश्यू, मेडअप ऑफ डबल फाइबरस, डबल लेयर फाइबरस टिश्यू, फाइबरस टिश्यू। दैट मीन्स जो बाहर वाली, सबसे पहले इस लेयर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या है, दोरी परत की नुमा ऐसे बनी हुई होती है और फाइबरस टिश्यू की बनी होती है, फाइबरस की वजह से ये स्कल से क्या होती है अटैच, क्या होती है स्कल से अटैच। तो फाइबरस लेयर है, कैसी लेयर है, फाइबरस लेयर है, साथ में आउटर मोस्ट लेयर है और इस फाइबरस लेयर की वजह से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस इज नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज हार्ड मदर ऑफ एच ए आर डी, हार्ड एम ओ टी एच ई आर, हार्ड मदर ऑफ, हार्ड मदर ऑफ सी एन एस, ऑफ सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपसे पूछा जाए हार्ड मदर ऑफ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्ड मदर ऑफ सी एन एस कौन सी लेयर है, ड्यूरामेटर, कौन सी लेयर है ड्यूरामेटर। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको क्यू का भी वो जो है नॉमिनेट इसको करा है। तो हार्ड मदर ऑफ सेल्स, अगर हार्ड मदर ऑफ सी एन एस क्या है, तो क्या है, कौन सी लेयर है, ड्यूरामेटर, क्योंकि डबल फाइबरस टिश्यू से बनी हुई है आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट अपन बात करें एरेक्नॉइड मैटर, कौन सी लेयर है नेक्स्ट, सेकंड ड्यूरा के बाद में कौन सी है, एरेक्नॉइड सेकंड लेयर है। ऊपर से अगर बात करें तो सेकंड, इनर साइड से भी बात करें तो सेकंड, दैट मीन मिडिल लेयर है, कैसी लेयर है, मिडिल लेयर, एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड लेयर, एरेक्नॉइड दैट मीन मिडिल लेयर ऑफ ब्रेन, मिडिल लेयर ऑफ ब्रेन, तो मिडिल लेयर है ब्रेन की, कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर को क्या बोला, एरेक्नॉइड मैटर, और साथ में मेडअप ऑफ सिंगल लेयर, ये भी एक कैसी है, सिंगल फाइबरस लेयर, सिंगल फाइबरस लेयर है, किसी बनी हुई थी, फाइबर्स की, दैट मीन सिंगल लेयर है। ड्यूरामेटर डबल थी इसलिए हार्ड मदर ऑफ सीएनएस बोला, ये कैसी लेयर है, सिंगल लेयर, कहाँ पे स्थित होती है, बिटवीन ड्यूरामेटर एंड पायामेटर, बिटवीन ड्यूरामेटर एंड पायामेटर, इसलिए इसको क्या बोला, मिडिल लेयर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पायामेटर, नेक्स्ट थर्ड है पायामेटर, तो फर्स्ट ड्यूरामेटर देखी थी, सेकेंड एरेक्नॉइड, थर्ड में पायामेटर, पायामेटर, पायामेटर का आप अगर आप लिखना चाहें तो सबसे इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, और इनर मोस्ट है अंदर वाली, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, दैट मीन्स किसकी बनी होगी, कनेक्टिव टिश्यू, किसकी बनी होगी, कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी एक स्टार पॉइंट है कि बाकी दोनों कैसे, किसकी बनी हुई है, फाइबरस की, ये किसकी बनी है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती, कनेक्टिव टिश्यू। और इसके लिए सेकंड स्टार पॉइंट है, इसको बोला जाता है सॉफ्ट मदर ऑफ सीएनएस, सॉफ्ट मदर ऑफ, सॉफ्ट मदर ऑफ सीएनएस, ये भी एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सॉफ्ट मदर ऑफ, तो अंदर वाली अगर आपसे बोले तो सॉफ्ट, बाहर वाली बोले तो हार्ड, और स्कल भी क्या है अपना हार्ड पार्ट है, तो हार्ड के नीचे क्या है, कौन सी, हार्ड मदर ऑफ सीएनएस पूछे, याद इजीली हो जाएगा, बाहर तो ड्यूरामेटर, सॉफ्ट पूछे तो अंदर वाली पायामेटर, अंदर वाली किसकी बनी होती, कनेक्टिव टिश्यू, अंदर वाली किसकी बनी, कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समय इजीली आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर अपन ने न्यूरोगिलिया के बारे में पढ़ा था, न्यूरोगिलिया क्या है, सपोर्टिंग टाइप्स की सेल है जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट कर रही, कितने टाइप्स देखे थे, पांच टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट टॉपिक था कवरिंग ऑफ लेयर, कवरिंग लेयर जिसको अपन ने बोला तीन लेयर होती, तीन लेयर कौन कौन सी, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर, तीनों लेयर को मिला के बोला मेनिंजेस, तीनों लेयर के बारे में अपन ने समझ लिया, सबसे अंदर वाली लेयर पायामेटर, उसके बाद में एरेक्नॉइड मैटर, उसके बाद में ड्यूरामेटर, उसके बाद में अपन ने स्पेस के बारे में देखा, स्पेस के बारे में एपिड्यूरल स्पेस है और एपी का मतलब ऊपर है, दैट मीन ड्यूरल के ऊपर है इसलिए एपिड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल का मतलब ड्यूरल के नीचे है इसलिए सब ड्यूरल स्पेस,
अरेक्नोइड के नीचे है, दैट मींस अरेक्नोइड स्पेस के अंदर ये एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में जो जगह होती है इसमें फ्लूड होता है, उस फ्लूड का नाम इस लेयर के हिसाब से फ्लूड का नाम रखा है। तो ये स्पेस इसलिए बताया कि कई बार ड्रग इंडक्शन अपन आगे पढ़ेंगे डिसऑर्डर, तो एनेस्थेसिया वगैरह पढ़ेंगे या सीएसएफ फ्लूड पढ़ेंगे, तो सीएसएफ में मैं बोलूँगा कि कहाँ से लिया जाता है, तो आपको बहुत इजी से समझ आ जाएगा। स्पेस अगर समझ में आ गया तो आपको सैम्पलिंग या सीएसएफ की वो भी इजीली समझ में आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको इजी समझ में आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया अगर तो हमारी क्लास को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो या आपका कोई सजेशन हो या आपका और कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स अपना कॉम्प्लीमेंट वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की जो इसी प्रकार से रेगुलर क्लासेस है वो आपको सब्सक्राइब जो बेल आइकन को प्रेस करने से अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेगी। जनरली 10 बजे हर दिन हमारी क्लास है वो लाइव यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। इसके अलावा भी अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो नेक्स्ट रिमेनिंग जो क्लासेस हैं उसमें, तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।